हेलो, सत श्री अकाल जी। सॉरी इतनी लेट लाइव आए हैं, आप लोगों को कुछ बताने के लिए बस लाइव आए हैं अभी। ओए ओए बुग्गे, ये तीनों ना रानी के बच्चे हैं, 1, 2 एंड 3। ये तीनों रानी के बच्चे हैं। टाइम देख रहे हो, 1 बजने वाला है। और बाहर बारिश भी दिखा देती हूँ कि कितनी तेज बारिश आ रही है। वही बात है, अभी मैंने लाइट नहीं जलेगी, अभी यहाँ से बहुत तेज बारिश है। लिटरली आप अगर देख पा रहे हो या तो काफ़ी तेज बारिश आ रही है। इनके बच्चों की माँ मर चुकी है। आप सबको पता है कि रानी इस दुनिया में नहीं है। ये तीन बच्चे हैं बेचारे, गली में इतने घर हैं यार, इतनी तेज बारिश आ रही है, आप इनको अपने गेट के अंदर ही तो जगह देनी है। सीरियसली जैसे ही बारिश तेज हुई तो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हुई कि मैंने कहा रानी के बच्चों को देख के आती हूँ, तो मेरे घर तो छाता भी नहीं है। वो टावल मैं सिर पे लेके इनको ढूंढने गई तो तीनों बेचारे एक गेट के आगे बारिश में भीग रहे थे ये। लिटरली यार बहुत बुरा लगता है सच्ची में। मैं अपने आप को प्राउडली एनिमल लवर बोलती हूँ और मैंने अपने अभी तक अपने जैसा पागल बंदा मेरे को टकरा नहीं है। ये तीनों को मैं उठा के लाई हूँ माँ से, बेचारों की माँ तो मर गई इनकी। 1, 2 एंड 3। यार ये नेगेटिव बोलने वालों की ना, मैं मेरे मुंह से निकलने वाला है कुछ अभी। साड़ो, तुमने कभी एक डॉग को अपने घर में पनाह तो दी नहीं, अपनी माँ को मैसेज करने आ जाते हो तुम यहाँ पे। कभी मेरे को फेस टू फेस टकरो, तुम्हारी मैं हैसियत दिखा दूंगी एक सेकंड में। हराम के बीज कही के एक एक बजे जाके गलियों से हम बच्चे उठा उठा के लेके आ रहे हैं सिर्फ इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए। हमें भी नींद प्यारी है भाई, अभी इसके बाद हमने नहाना भी है। ये तीनों रानी के बच्चे हैं, बारिश इतनी तेज़ आ रही है यार, ये बारिश में भीग रहे थे तो मेरे को एकदम से यही ख्याल आया कि मेरी गली में यही बच्चे हैं, आसपास छोटे बच्चे नहीं हैं। तो मैंने सोचा किसी ने इनको अपने घर के अंदर थोड़ी बहुत पनाह दे दी होगी, लोगों के दिल में वो जगह होगी थोड़ी, लेकिन लोगों के दिल में जगह ही नहीं है। तो भाई इसको तीनों को उठा के लाई मैं अभी। और जो भौंकने वाले लोग हैं ना, चाहे दिखावे के लिए सही, एक अपना एक ही बच्चा कभी उठा के लाना, तुम्हारी औकात उसी में पता लग जाएगी। यार हमें क्या शौक पड़ा हुआ, 2 घंटे से मैं पीछे खड़ी हुई हूँ और डुग्गू और के वहाँ पानी आ जाता है, मैं वाइपर लगा रही हूँ, पागलों की तरह हम लगे हुए हैं। कि भाई बोल रही, लोगों के लिए बारिश जब आती है ना उनके लिए फन होता है ना, इन्जॉयमेंट होती है, लेकिन हमारे लिए जब बारिश आती है ना तो हमें ही होता है बेचारे बच्चों का क्या होगा जिनके तो सर पर छत ही नहीं है। और इतनी बारिश में करना क्या होता है, मेरे घर अभी नीचे कांटो माइकल सारे नीचे बैठे हुए हैं। अपने घर में मैं 100 गज का घर है यार, 20 डॉग मैं रख रही हूँ, तो इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ। सीरियसली यार अगर ये रह जाते ना रात तक, सुबह इनको वैसे फीवर हो जाना था, रात को यहीं रुकेंगे, सुबह बारिश रुक जाएगी फिर इनको छोड़ दूंगी, सोना ही तो है इन्होंने, और क्या करेंगे। पहले 2 की पोटी साफ कर रही थी, इधर मैं 5 की कर लूँगी। और प्लीज़ अभी भी बारिश करनाल में बहुत ज़्यादा आ रही है, अगर आपके पास आस पास कोई छोटा बच्चा है उसको घर में नहीं रख सकते, गेट के पास थोड़ी पनाह दे दो, कोई बड़ा डॉग है उसको पनाह दे दो कि बारिश में भीगे ना। जब बारिश में वो भीग जाएगा, दवाई किसी ने दिलवानी नहीं, फिर बेचारे बीमार होंगे, फिर वो एनजीओ ढूंढते फिरेंगे कि कोई एनजीओ आके इनकी हेल्प करेगी, क्योंकि उनके तो हाथ पैर टूटे होते हैं, अपने अपने बच्चों को पता नहीं कैसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तब भी हमें बुला लिया करो कोई एनजीओ वालों को, जब तुम्हारे माँ बाप बीमार होते हैं ना तो खुद हॉस्पिटल ना जाया करो, किसी एनजीओ को फ़ोन किया करो कि उनको हॉस्पिटल लेके जाए। ओए बुग्गे, सारे बैठे हैं यहाँ पे भी। हाँ जी सीरियसली यार, मेरे को लगा कि ये घर में होंगे क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ प्यार करते हैं, नो डाउट खाना भी देते हैं, लेकिन इतनी जब बारिश बाहर आ रहा था, हमारी गली में कोई बच्चा है। इवन मैं तो मिनी और को भी ढूंढ के आई हूँ, लाइट नहीं है इस टाइम, गलियों में अंधेरा है, फ़ोन बाहर लेके जा नहीं सकते इतनी दूर तक मैं। इवन अभी हमें नहाना है, हमारा पूरा सिर, मेरा पूरा सिर गीला हो चुका है इस टाइम पे। यार सच्ची मेरे को तो रोना भी आता है, गुस्सा भी आता है, समझ नहीं आती। रानी के 3 बच्चे हैं ये अभी बेचारे लावारिस। तभी तो लोगों को बोलते हैं ब्रीड्स खरीदने का क्या फ़ायदा यार, एक तरफ से तुम ब्रीड्स खरीद रहे हो, अपने ये बच्चे तो बेचारे सड़कों पे मर रहे हैं, इनके तो सर पे छत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाना भी इनको तो भगवान भरोसे मिलता है।
और ये भौंकने वालों को ना तो मैं अपने आप ही देख लूंगी। जानवरों ने बोलना स्टार्ट कर दिया और लोगों ने कुत्ते की तरह भौंकना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए मैं जानवरों को, एनिमल्स को, मैंने इंसानों से भी बड़ा ओहदा दिया हुआ है, मेरे लिए इंसान मैटर नहीं करते। ओए सर्किट बुगे, आपकी मम्मा चले गए थे इस दुनिया से बुगे, और ये तीनों की तीनों फीमेल डॉग हैं ये। यार सच्ची एकदम ना दिल को धक्का लगा सच्ची, जब मैंने इनको बारिश में अंधेरे में बेचारे बैठे थे, पहले तो मैंने इनको आवाजें मारी, मैं कहीं से क्या पता किसी के गेट के अंदर हो, जब एकदम आगे मेरे को मतलब चिपट गया कि हाँ भाई एक उनको पता है, क्योंकि हम डेली इनको खाना खुना देते हैं तो इनको पता है, पहचान है, जब ये पैदा हुए थे तब से इनको मैं खाना दे रही हूँ, डेली नहीं कभी कभी दे आते थे, लेकिन अब रानी जब से गई है तो अटैचमेंट और ज़्यादा बढ़ गई है। चलो जी लाइव एंड करते हैं। ओए बुग्गे भगवान से बोलो कि तुम्हें भी कोई ब्रीड बना दे, है ना, फिर तो लोग तुम्हें अडॉप्ट कर ही लेंगे, है ना बुग्गे, क्या कमी है तुम्हारे अंदर, सुंदर नहीं हो तुम, देखिए कितने सुंदर हो यार ये, और ऐसे सुंदर डॉग क्या होता है बुग्गे। ओए बुग्गे, ओए बुग्गे, ओए नोनी प्लीज, अभी भी विनती है बारिश का मौसम है, अपने आसपास चेक जरूर कर लेना, कई बार कुछ बर्ड्स के घोंसले बने होते हैं वहां भी चेक कर लेना, क्योंकि उन्होंने भी छोटे छोटे बच्चे दिए होते हैं, एंड कई गायें बेचारी बाहर खड़ी होती है बारिश में भीग रही होंगी, कोई ऑप्शन ही नहीं उनके पास। सो अभी ये बच्चे सारे बैठे ये तो ना यहीं पे सोएंगे, ये पूरी पलटन आज, पता नहीं हम रात को सोते भी है कि नहीं सोते आज। चलो जी बाय बाय, लाइव एंड कर रहे हैं, कल आएंगे लाइव, एंड प्लीज़ थोड़ी सी अपने भी दिल में दया जगा लिया करो, सबके दिल मेरे जैसे हैं, मेरा कोई मैं अलग दुनिया से दिल बनवा के नहीं लाई अपना, मेरा भी तुम्हारे जैसे ही है। तो अभी के लिए लाइव एंड कर रहे हैं, बाय बाय, सॉरी आप सबको इतनी रात को डिस्टर्ब किया, बारिश अभी भी बहुत तेज़ आ रही है यार, लिटरली बहुत तेज़ बारिश आ रही है, अब सारी रात मेरे को बच्चों को देखते रहना कौन कहाँ पे है, ये दोनों इधर सो रहे हैं देखो, अभी इसको स्प्रे किया था, अभी दूध ये पीता नहीं, पानी इसने पिया था, वो जोई सो रही है उधर, लाइट नहीं है अभी ना, देखना यार आई थिंक आवाज़ ही आ रही होगी बारिश की, ये तो कितनी तेज़ बारिश आ रही है, फुल तेज है। चलो जी बाय बाय, अभी के लिए एंड कर रहे हैं लाइव, बाय, एंड प्लीज़ आस पास ध्यान रखो, बिजली कितनी चमक रही है यार, ये फेसबुक के पेज बनाने का हेल्प करने का तभी फ़ायदा कि जब इनके एक्चुअल टाइम में हेल्प करो, है ना, कि जब प्रॉब्लम है, वो बोलते हैं सुख में तो कोई भी काम आ जाए, फ़ायदा तब है जब किसी के दुख में कोई काम आए, तो किसी के दुख में काम आया करो, खाली वीडियो बना के भी निकाल दी इसका भी कोई मतलब नहीं होता। डब्बी के लिए बाय बाय।